पढ़ने वाले हैं द स्कूल बॉय पोम को। काफी इंटरेस्टिंग पोम है, एक बच्चे के बारे में है जो एक्सप्रेस कर रहा है अपनी फीलिंग्स टूवर्ड स्कूल और बच्चों के चाइल्डहुड के बारे में वो एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है। इस पोम को स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चेन से, जिसमें स्टार्टिंग में लिखा गया है, आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्न व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न एंड द स्काईलर्क सिंग्स विद मी, ओ व्हाट स्वीट कंपनी। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि जब सुबह होती है तब इसको बहुत सारी बर्ड्स की गाने की आवाज़ सुनाई देती है और बहुत सारी इसको जो नेचर की चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा ये लाइक करता है और नेचर को बहुत ज़्यादा बता रहा है, ये स्वीट कंपनी मतलब बहुत अच्छी जगह है नेचर, उसके बारे में इसने थोड़ा डिस्क्राइब करा है। फिर सेकेंड स्टैंस की तरफ चलते हैं। सेकेंड स्टैंस, व्हाट टू गो टू स्कूल इन अ समर मॉर्न से लेकर इन सिंगिंग एंड डिसमे तक, तो इस टेंस के अंदर इसने ये बताने की कोशिश करी है। लेकिन ये जो उसका पूरा सुख है, ये जो उसकी सुबह उठने की पूरी खुशी है, मॉर्निंग की जो ये सारी चीज़ें वो देख रहा है, इनको देखकर खुश हो रहा है, वो सब दुख के अंदर बदल जाती है जब ये स्कूल के अंदर जाता है। जब ये स्कूल के अंदर जाता है तो ये अपनी पूरी बातें बताने की कोशिश करता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेरे को, और टिस में दुख के अंदर बदल जाता है। अब नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट थर्ड स्टैंस के अंदर बच्चा क्या बताना चाह रहा है, देन एट टाइम्स आई ड्रूपिंग सिट से लेकर वॉर्न थ्रू विद द रियली शावर। तो यहां तक ये बताना चाह रहा है बच्चा कि जब ये स्कूल के अंदर बैठा होता है और जब ये पढ़ रहा होता है घंटों तक, एंशियस आवर्स तक बहुत ज्यादा पढ़ रहा होता है, तो ना ही इसका बुक्स के अंदर इंटरेस्ट होता है और ना ही जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं वो इसको कुछ समझ में आ रहा होता है, तो इसका इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के अंदर नहीं होता स्कूल के अंदर। नाउ कमिंग टू द फोर्थ स्टेंस के अंदर है, हाउ कैन द बर्ड दैट इज बॉर्न फॉर जॉय से लेकर एंड फॉरगेट हिज यूथफुल स्प्रिंग तक। तो यहाँ पर एक इसने एग्जाम्पल दिया है जिसके थ्रू ये बताना चाह रहा है बच्चा कि जो बर्ड होती है, बर्ड उड़ती है, बहुत ज़्यादा खुश होकर गाने भी गाती है, लेकिन जब उस बर्ड को केज के अंदर बंद कर दिया जाता है तो क्या वो उतनी ही खुशी से गाना गा पाएगी, क्या वो उतनी ही खुश होकर इधर से उधर घूम पाएगी, नहीं घूम पाएगी। तो इसने यहाँ पर एक बर्ड का एग्जाम्पल लिया है। अब देख लेते हैं सेकंड लास्ट टेंस के अंदर, ओ फादर एंड मदर से लेकर सोरो एंड केयर्स डिसमे। तो यहाँ तक क्या बताना चाह रहा है ये बच्चा, यहाँ तक ये बताना चाह रहा है, यहाँ पर इसने एग्जाम्पल लिया है एक छोटे से प्लांट का। जब एक छोटा सा प्लांट उग रहा होता है और जब उसके अंदर से फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर्स के थ्रू फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, तो जो फ्लावर्स होते हैं उनको अगर हम लोग तोड़ दें उगने से पहले ही, तो क्या वो फ्रूट के अंदर चेंज हो पाएंगे, यही इसने बताया है लास्ट टेंस के अंदर। हाउ शैल द समर अराइज इन जॉय और द समर फ्रूट्स अपीयर। तो जो फ्रूट्स हैं वो फ्रूट्स बन ही नहीं पाएंगे अगर हम लोग उन्हें तोड़ देंगे उनके उगने से पहले ही। तो इसी तरीके से इसने एग्जाम्पल लेके बताया है बच्चों के बारे में कि अगर बच्चों को हम लोग खेलने का टाइम नहीं देंगे, इंजॉय करने का टाइम नहीं देंगे, तो बच्चे बेचारे अपना जो उनका यूथ है वो प्रॉपरली उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे और काफ़ी उनका फिर जो बड़े हो जाएंगे वो तो बड़े होके उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि यूथ ही उनका इंजॉयफुल नहीं था, बचपन में ही खेलने कूदने को नहीं मिला। जैसे आजकल के स्कूल्स में हम लोग देखते हैं कि स्कूल्स के अंदर क्या होता है कि बच्चे स्कूल्स 8 आवर्स स्टडी करते हैं, देन फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर ट्यूशन की क्लास लेने के बाद फिर होमवर्क, फिर ट्यूशन का होमवर्क, फिर दोबारा स्कूल। तो बच्चों के पास, बेचारों के पास खेलने का टाइम ही नहीं मिलता और पेरेंट्स भी बच्चों को फोर्स ही करते रहते हैं कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो इस पोम के अंदर यही बताया गया है कि बच्चों को खेलने देना चाहिए और बच्चों को एंजॉय करने देना चाहिए जब वो छोटे होते हैं। लेकिन इसी के साथ एक छोटा सा ओपिनियन मैं भी देना चाहूँगा कि देयर शुड बी अ हेल्दी बैलेंस, बच्चों के साथ, बच्चों के पास खेलने का भी टाइम होना चाहिए और बच्चों के पास पढ़ाई करने का भी टाइम होना चाहिए, जिसका एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चे पढ़ ही रहे हैं। तो ये हम लोग इस पोम से समझ सकते हैं और आप लोग और भी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं इस चैनल के ऊपर। तो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, नहीं तो माता रानी पाप लगाएगी। और एक और चीज कि स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी और मन्नू से ज्ञान लेते रहो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।